ये बिजनेस तो मैंने बस ऐसे ही शौक शौक में शुरू कर दिया था, सही मायने में तो बताऊँ, क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं थी। हम बचपन में टेक्निकल तो था ही, मैं जब छोटा सा था, जैसे कि मोटर होगी, मोटर से पंखा बना दिया हमने, या एक मैम पॉइंट है मेरे याद है कि मोटर से लाइट से चलती थी सेल से मोटर वो, पर अगर हम उस मोटर को ही घुमा देते तो उससे बल्ब भी जल जाता था। मैंने कंपनी में भी जॉब करी है, क्योंकि वहाँ एक बंदिश थी, आप जॉब तो कर रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो उससे तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आप सेटिस्फाई ना हो। जैसे आप 2 रुपये कम कमा रहे हो पर सेटिस्फाई तो हो, अपने अकॉर्डिंग तो ज़िंदगी जी रहे हो, वो सबसे प्लस पॉइंट है अपने काम में। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो उसमें, कितना आगे उसे ले जाना चाहते हो। उस टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी LED वाला, कि भाई कोई काम खुद का होना चाहिए अपना। हम एक तो कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी बात कम मैन पावर से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे प्लस पॉइंट यही है कि लोकल एरिया में हम सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 20 औरतों को ट्रेनिंग दी थी, 20 का उनका ग्रुप था, उन्हें दे दी। और फिर उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया था, शायद वो सीख सकती हैं 100%, क्योंकि हमसे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है ना उनके अंदर सीखने की, हमसे ज़्यादा लगन होती है लेडीज़ के अंदर कि वो अपना कुछ कर। जिस फैमिली में ये होगा, जैसा मेरे यहाँ ये काम है, तो बच्चे तो ऑलरेडी सीख ही जाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं ना, फिर देखने के बाद अगर मैं यहाँ हूँ तो वो नहीं करने के, वो मेरे पीछे प्रैक्टिकल करके देखेंगे 100%। कैसे बनाया आपने ये? मोटर लगाई पहले, फिर मोटर ये लगाई, इसके तार जोड़े, फिर चलाया। शायद ये क्रिएटिव मेरे अंदर थी जो उनके अंदर है, या तो फिर एक जेनेटिक होगी, जैसे पारिवारिक होती है ना, शायद वो वाली हो, या फिर मुझे देख सीख रहे हो। मैं बड़े होकर इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और आपको? मैं भी यही। कहीं से लोन लेकर काम स्टार्ट नहीं किया था, खुद से कमाता था साइड में, और ये DA वालों की सपोर्ट से मैंने ये स्टार्ट कर ही दिया। इन्होंने मुझे बताया कि तुम दिल्ली से माल मंगा लो, वहाँ से छोड़ दो एक बार,